आज मैं आपको डिफरेंट किस्म की एम्ब्रॉयडरी करना सिखा रही हूँ, जिसे रिबन एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं वुडन फ्रेम, रिबन्स, रिबन नीडल, बीड नीडल, फैब्रिक 10x10 साइज का, ब्लैक थ्रेड और ब्लैक बीड्स। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, एक किनारे को उठाकर दूसरे किनारे के साथ मिला देंगे और अच्छे से क्रीज बना लेंगे। फिर हम इसको मज़ीद फोल्ड करेंगे और अच्छे से क्रीज बना लेंगे। और फिर ओपन करेंगे कपड़े को ताकि हमारा सेंटर पॉइंट निकल आए। फिर हम सेंटर पॉइंट पे पेंसिल से निशान लगाएंगे और जो डिज़ाइन आपने बनाना है उसको कपड़े के नीचे रखेंगे और दोनों का सेंटर पॉइंट देख लेंगे। और फिर डिज़ाइन पर भी सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और फिर कपड़े को दोबारा ऊपर रखकर सेंटर पॉइंट मैच कर लेंगे और डिज़ाइन ट्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले सेंटर वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे इसी तरह बाकी के तमाम सर्कल्स भी ट्रेस कर लेंगे। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप इसे फ्री हैंड भी बना सकती हैं। मैंने भी ये फ्री हैंड ही डिज़ाइन किया है। आप कोई सा बॉटल की लेट लेकर उससे सर्कल ड्रॉ कर लें। और फिर उसके बाद आप लीव्स बना लें। डिज़ाइन की तीनों तरफ डिज़ाइन बैलेंस लगे। ये कुछ इस तरह से लगेगा डिज़ाइन ट्रेस होने के बाद। फिर आप वुडन फ्रेम लेंगी और कपड़े को फ्रेम पे लगाकर अच्छे से टाइट करेंगी और हाथों की मदद से भी अच्छे से टाइट कर लेंगी। रिबन नीडल आम नीडल से डिफरेंट होती है। इसका नोजल थोड़ा सा वाइड होता है ताकि रिबन आसानी के साथ डल सके। इसके बाद हम रिबन लेंगे और इसके किनारे को तिरछा काट लेंगे ताकि रिबन आसानी के साथ चला जाए। रिबन के पॉइंट को फोल्ड करके उसे सेंटर से सुई से निकाल लेंगे ताकि नॉट लग जाए।
फिर हम छोटे सर्कल के स्टार्ट से सुई को निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ताकि रिबन कपड़े से निकल सके। फिर रिबन को सीधा रख के उसके सेंटर से सुई नीचे की तरफ ले जाएंगे और इस तरह एक पेटल की शक्ल बन जाएगी। इसी तरह हम फिर छोटे सर्कल के पास से सुई निकालेंगे और रिबन को सीधा करके उसके सेंटर से सुई निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारे पेटल्स बना लेंगे अपने सर्कल्स में। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इन छोटे सर्कल्स के अंदर ब्लैक कलर की बीट से फिलिंग करेंगे। सबसे पहले थ्रेड में बीट डालकर हम सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे। और इसी तरह सारे फ्लावर्स के सेंटर में हम बीट से फिलिंग कर लेंगे। जब सारे फ्लावर्स के सेंटर में बीट से फिलिंग हो जाने के बाद हम लीव्स की तरफ आएंगे। लीव्स भी हम इसी मेथड से बनाएंगे जिस मेथड से हमने फ्लावर्स के पेटल्स बनाए हैं। इसी तरह सारे लीव्स हम thank you.
फ्लावर्स कंप्लीट हो जाने के बाद हनायत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप ये रिबन एम्ब्रॉयडरी किसी भी रंग के रिबन से बना सकती हैं और ये डिज़ाइन ना सिर्फ आप कुशंस बल्कि बेडशीट्स और अपने कपड़ों पर भी बना सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे।